कूड़ा इधर आ गया है इसमें, देखो उधर भैया कूड़ा डाल रहे हैं उसमें, उसको लगाने के लिए हड्डी का पता नहीं कूड़ा। इधर ईटा पक रहा है एक साइड से और एक दूसरे साइड से ईटा निकल रहा है। तो गाइस ठीक है आज के लिए, देखो ये भैया हटा रहे हैं आग उसमें, देखो राति में ज़्यादा साफ है, राति में पूरा उजाला मार रहा। गाइस आप लोग को दिखाते हैं हम भट्टा, भट्टा में ईटा कैसे निकासी होता है। देख सकते हो ये लेग कितने मेहनत करती हैं ईटा निकालने के लिए। देख सकते हो आप लोग ऐसे ईटा निकलता है इसमें से, ये पूरा इसमें ईटा भरा हुआ है, लगभग 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास ईटा आता है पूरा। कितने मजन मेहनत करते हैं लोग ईटा निकालने के लिए। और गाइस देखो इस पे चल रहे हैं, इसमें ये सब या आग है गाइस, इसमें जल जाएंगे आप लोग। देखो इसमें कुछ बाबा लोग हैं खाना वाना बनाते हैं, ये सब भट्टा में नीचे आग है गाइस, दिखाते हैं आपको ब्लॉग में, बने रहो हमारे। ये कूड़ा वूड़ा डाल के सब लगाया जाता है, डर भी लगता है गाइस इसमें, कहाँ से कब भसक जाएगा हड्डी गुड्डी का नहीं पता चलेगा। देखो यार गाइस आग देखा भैया, आतने शुरू करिया यहाँ पर खड़ा हो जी। भाई देखो गाइस इसमें आग, देखो कितना खतरनाक लग रहा है, देखो ये देखो ये सब पूरा इसमें आग भरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। ये देखो ये डर, देखो गाइस ये देखो आग, देख सकते हो आप लोग पूरा एकदम पूरा भरा हुआ है इसमें, झुका रहा है ये सब कोयला वेला ये भूसा वूसा वगैरह पूरा इसमें आ गया, हड्डी का पता नहीं चलेगा आप लोग का, बहुत तेज आँच मर रहा है गाइस। कूड़ा इधर आ गया है इसमें, देखो उधर भैया कूड़ा डाल रहे हैं उसमें, उसको लगाने के लिए हड्डी का पता नहीं कूड़ा। इधर ईटा पक रहा है एक साइड से और एक दूसरे साइड से ईटा निकल रहा है। तो गाइस ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस भट्टा पिकटा पसा रहा है सब इधर, देखो इतना छोटा छोटा सब बंदा लोग काम कर रहा है गाइस। ये ताज़ा ताज़ा एकदम मीठा है मस्त, ये भैया इधर कुछ ऐसे कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग चिमनी में ऐसे सब तैयार होता है माल, फिर उसके बाद उसमें पकता है। अब जा रहे हैं घर हम।